गया जिहड़ियां आजादी दियां गल्लां उह शहीद साडे करदे चले गए कि समाजिक बराबरी होवे और ये जो गरीबी अमीरी का जो पाड़ा ऊंच नीच का पाड़ा ये खत्म होवे संपूर्ण आजादी होवे। सो जो गोरे करते सी उस राह ते ही ये सरकारां तुर पईआं कि कुछ पूंजीपतियां दे हथ ये सरकार जिहड़ी साडे देश की बागडोर इन्हां ने संभालण दी मंशा दे नाल ये कानून आ जिहड़े उह लैके आंदे। और ये गुस्सा जिहड़ा किसानां दा मैं अक्सर ये गल करदा हुंना कि ये कानून तो वह गल होगी जिवें किसी की बिल्कुल ही संघी तुसीं घुट दिओ कि उहनूं साह आउणा औखा हो जाए। सो फिर ये गुस्सा फुटिया, नहीं तो जे पिछले सालां च वी असीं निगाह मारदे हां तां कोई बाहलियां वधिया नीतियां किसानां दे लई किरतियां दे लई आम जिहड़े लोग पिंडां च वसदे आ जां जिहड़े ठीक ठाक रहण वाले आ मिडल क्लास आ जां लोअर क्लास आ उहनां दे लई कोई बाहलियां वधिया पॉलिसियां इन्हां सरकारां दीआं नहीं रहियां। सो गुस्सा वधदा वधदा अज इत्थे जिहड़े हुण इन्हां ने एक कानून लिया के सिट ते बिल्कुल ही किसानां दी मौत दे वारंट इन्हां ने लिखते। सो उहदे चों ये मोर्चा निकलिया और बहुत सारिया प्राप्तियां थोड़ियां कई बार देखण नूं इह लगदा कि हाले तक कानूनों के बारे किसान का जां सरकार का जिहड़ा स्टैंड है वह उवें ही है, इन्हां दे कन्न ते जूं नहीं सरकी। पर मोर्चे ने बहुत कुछ इस समाज नूं दिता ते आउण वाले टाइम च देना। सो मैं गल करदा हुंना कि कदे किसी ने सोचिया नहीं सी कि संगीत इस तरह चेंज हो जू और साडे मुंडियां दी सोच इस तरह चेंज हो जू। संघर्ष लड़ना इस मोर्चे ने सिखाया। सो मैं तो अपनी जिंदगी च कदे नहीं सी सोचिया कि कदे विआह वाली जिहड़ी कार होगी डोली वाली कार होगी और मुंडा विआहुण जाऊगा उहदे अगे किसान मजदूर एकता दा झंडा लग्गिया हो जां लोग अपने शगन मनाउणगे क्योंकि वह भी चलो साडा एक समाजिक रिश्ते ने वह भी असी पूरे करने नाल नाल ते लोग विआह करनगे पर बीजियां दे उत्ते नच्चणगे किसानी वाले गीतां ते ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜੇ, किसानी संघर्ष के गाने चलन, ये लोग लहर इनू कहांगे आपां। लोगों के मन जीने चेंज करते और साडे मुंडे बैनर फड़ के तख्तियां फड़ के जिहड़े शहरां दे विच खड़े आ चौंकां दे उत्ते किसानां दी सपोर्ट करो, नो फार्मर नो फूड। और जे तुसीं किसानां दे हक चों तां हारन बजाओ। सो वह कोई तनखाह लैके नहीं खड़े, सो उहनां दे दिमाग चेंज होए आ, उहनां नूं पता साडे बापू सरहदां ते इदां बैठे आ और साडियां मावां बैठियां ट्रालियां दे विच और साडे नौजवान इत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंचदे आ। सो ये नौजवानी की सोच नूं बदलना, इनू सही नीह ते तोरना, ये कोई छोटियां गल्लां नहीं, ये इस मोर्चे दीआं प्राप्तियां ने। और आउण वाले टाइम च होर बहुत कुछ इत्थों निकलना क्योंकि जदों जागरूकता पैदा हो जाती है और ये लोग लहरां ने कई बार मीडिया वाले गल कर लग जाते हैं कि जी थानू की लगता हुण मोर्चे च कट पहला नालों घट लगता तो तुसी की सोचते हो। सो मैं हमेशा एक कोई गल कहना हुंना कि ये भुलेखे किसे बंदे नूं नहीं पालने चाहिए, ना सरकारां नूं पालने चाहिए आ कि धरना आही है जिहड़ा बार्डरां ते बैठा। धरना तां घर घर च आ क्योंकि जे चुल्हे दे उत्ते धरने की गल हो रही है, जे गड्डियां च संगीत किसानी का चलता और बंदे चाहे इंडिया च बैठे आ जां बाहर भी बैठे आ थोड़े धियां पुत, जे उन्हां दे कन्न हमेशा धरने दे आला तां मेरे हिसाब नाल उह धरने च शामिल ही। और इत्थों जिद्दण भी कोई प्रोग्राम चलिया गया, जिद्दण कोई हाक पैगी, पता नहीं किन्ने लखां करोड़ां लोग पहलां नालों भी वड्डी गिणती च इत्थे आ जाणगे क्योंकि उन्हां दी सोच हमेशा धरने दे नाल जुड़ी हुई है। सो ये कदे किसी भुलेखा नहीं पालना चाहिए कि जे इत्थे थोड़ा जिहा कट चाहे कटिया जां कि लोग कट दिख रहे तो पता नहीं शायद मोर्चे का रंग उहदे नाल फिक्का पै गया। रंग रुंग कदे फिक्का नहीं पैना, जे इन्नी
कम वाली रुत दे विच, क्योंकि किसान इन्हां दिनों तो बाद बिजी कदे नहीं हुंदा, मजदूर कदे बिजी नहीं हुंदे, उहदे बावजूद इन्ना कट्ठ इन्हां मोर्चियां दे उत्ते है कि जदों ये साडा कम मुक गया उदों बाद च कट्ठ दिनों दिन वधना ही है। और अजकल इन्हां ने करोना दा वी जिवें पहला वी गल हो के हटी है, सो मैं कहना उन्हां सरकार दा सिखाया होया करोना, सो दोबारा फिर क्योंकि इन्हां दी गल बहुत सुनदा हो ते जिथे जिथे इन्हां नूं लोड़ आ उत्थे ही जांदा, जिथे नहीं लोड़ जिथे रैलियां कर रही बड़ियां बड़ियां जिन्हां स्टेटां दे विच इलैक्शनां ने उत्थे कोई करोना नहीं पहुँचदा। और करोना स्कूलां च चलिया जांदा, ठेकियां ते करोना डरदा है ना, पता नहीं वैष्णो आ वो, सो उत्थे नहीं पहुँचदा है। सो जिथे इन्हां नूं लोड़ आ, और लोग साढ़े जिहड़े बेचारे जिन्नी तुसीं रिसर्च करके देखियो जिहड़े हस्पतालां दे विच जा रहे आ उत्थे मौतां हो रही आ, जिहड़े बंदे घरां दे विच अपना इलाज कर रहे आ घरां दे विचों इन्नियां लाशां नहीं उठ रही। सो इहदा मतलब की आ कि तुसीं सही तरीके नाल लोकां नूं सांभ नहीं पा रहे, तुहाडे कोले ऑक्सीजन नहीं है, हउआ बढ़ाता हरेक चीज़ नूं, लोकां नूं कुट के डरा के घरां दे विच बंद करना। पर ये गल्लां जिहड़ा सरकार दा फर्ज बनता हुंदा तो वह कल्ले लोगों को कुट के घर बंद करने नहीं पूरे होंगे, उन्हों की रोटी पानी का प्रबंध करना यह भी सरकार का फर्ज है। कि जो तुम कह रहे हो घर रहो तो साड़िया भैन साड़िया मावं सड़कों के उत्ते बच्चों जन्म देन, सो एक तो शर्म वाली गल सरकार ले की हो सकती है, उन्हों का प्रबंध करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और जड़िया प्रैगनेंट मावं साड़िया भैन जड़िया 100-200, 200-400 किलोमीटर का सफ़र करके जो पिछे इन्होंने एकदम बंद किया, सो वो तुर के गई, उन्होंने जिम्मेवार कौन आ? और ये जिम्मेवारी सरकार समझनी पेगी, इन चीज़ों को भजना और जोड़े हेल्थ के प्रबंध लोगों के लिए करने उन्होंने भजना। सो मैं तो कहना हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने इंजैक्शन लाने है, इम्यूनिटी साढ़े लंगर च बहुत आ क्योंकि धरनिया तो होंगे नहीं करोना, मैं क्या इतें ही भेज दिया करो सवेरे शाम लंगर धरनिया चो छक जा आपे करोना करोना दूर हो जाए। सो महाराज तुहानू चढ़ दियां कला च रखे, साडे दिल हमेशा धरने दे नाल जुड़े हुए है और हमेशा सुत तुहाडे च रहिंदी है, जिवें मैं पहला गाने च गल कीती है कि धरने दे विच बैठे सारे सन मैनू मेरे घर दे लगदे, कल्ली मेरी गल नहीं, जिहड़े भी बंदे इत्थे नहीं भी पहुँच सकते उन्हां दीआं भावनावां उह दिल तों तुहाडे नाल ने। सो कुछ लाइनां मैं होर कहूँगा क्योंकि तुसीं बड़ी दृढ़ता दे नाल और एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो और इनोसेंट लोग हो, पिंडा चों उठे हुए तुसी भोले भाले लोग हो और भोले भाले लोगों का कट्ठ कदे नहीं हारदा हुंदा, और क्योंकि परमात्मा जिन्हां दे विच वास करदा इत्थे पॉजिटिविटी बहुत आ। मैं अपनी गल करां जां मैं होर भी बड़े बंदिआं नाल इह गल करदा कि जदों गड्डी धरने च शामिल हुंदी आ तां एक अजीब जिहा सुकून तुहानूं मिलदा क्योंकि इत्थे परमात्मा वास करदा। मैं क्या जन्ने ला दिया गाने थले साहब तो मैं थोड़े वाला गाना बड़ा वधिया लग्या, मैं वो लेके दो मैं गाया करना। हाँ जी हाँ जी लाने लाने। सो इन्ना सुकून है इस धरने च, जिवें तुसी मंदिर च जाने हो मस्जिद च जाने हो गुरुद्वारे जाने हो, मैं दिलों महसूस करदा उहे जिहियां तुहानूं तुहाडे दिलों तुहानूं इहो जिहियां इत्थों जो भावनावान ने उ थानू मिलदियाँ कि तुम बहुत चंगे थान पर आए, क्योंकि गाँव आए लभने बहुत औखे है, साढ़े आए पैसे बहुत मंगते हैं, इतने आते हैं ना अपने आप तो कौन खिंच के लिया, ये धरने का जोड़ा सुकून मिलता इतने आके, क्योंकि दिल में एक तसली होंगी है कि तुम चंकी जगह पर जाके आए हो, तुम सच्चे सुचे लोगों की सपोर्ट करके आए हो, जी दिल में जो सुकून मिलता, सो वो एक धरना दे और पॉजिटिविटी थोड़े चो जा रही है क्योंकि तुम इनोसेंट भोले भाले लोग। सो धनेर साहब कहते गाने दो तीन सुना दो, सो आप बहुत वधिया गाँव मैं अज पता लग गया है जी, ओ तेरी चंदन वर्गी तलक बैगे मार लपेटा नाग तेरे खेत नू बगले पै गए ओए तेरे घर नू पै गए काग जो बच्चियां दे लई देख दे ओए तेरे उजड़ न जान ख्वाब चल उठ जमीरा वालिया
ओ चल उठ जमीरा वालिया बन बाजा वाले दा बाज बन बाजा वाले दा बाज वे वो आके दिल्ली बैठ गए जिन्ना हिरदे विच वैराग क्योंकि जिन्हां नूं प्यार है अपनी मां ना असी मां कहने आ धरती नूं और पहला पहला हुण तां चलो दिमाग थोड़े चेंज हो गए हरेक बंदा कमर्शियल हो गया सो पहला पहला कहा जांदा सी कि यह जे अपना खेत बेचता जमीन बेचती उह दी मां बेचती ये गल्लां साडे च रहियां साडे वड्डे वडेरियां च पर समय दे नाल बहुत कुछ बदल गया और हले भी कई घर बैठे ही सलाह करी जाते हैं भी जावे या जाइए या कदों जाइए ये उन्होंने आके दिल्ली बैठ गए जिन्ना हिरदे विच वैराग वो कदे रामिया योदे जंग चो नहीं तक दे हानिया लाभ ला दे जैनपुर वालिया पग तो जो लगे नशे दे दाग वो असी उस दिन लोहड़ी पालनी ते साडा उदो ही बनू चिराग वो साडी उधर दवाई होगी जिते जित के मुड़ू पंजाब वे साड़ी ओतन दवाली होगी जिते जित के मुड़ू पंजाब और वो दिन दूर नहीं क्योंकि ये पहला वालियां लोहड़ियां दवालियां तो इन्होंने कदे करोना वाले रौले च कदे सानू कानूना च अलझा लिया वो साड़ियाँ उदासियाँ जी लंघियाँ पर असली दीव्या च बत्तियाँ उदन ही लगनियाँ जिदन कानून रद्द हो और उदन पता लगू पंजाब च हरियाणे च जां जिथे जिथे भी साढ़े किरती बैठे है कि अज खुशी हुई है क्योंकि ये जड़ियाँ कुरबानियाँ साढ़े नौजवानों दियाँ साढ़े बजुर्गों दियाँ इस धरने के विच जो जाना गई सो बड़ी शर्म की गल है मैं इंसानियत की लड़ाई मैं इसे लिए कहना कि किसी होर मुल्क च कोई 10-20 मौत होन उदों सरकार की नींद खुलदी है उन्हां लई अफसोस भी जताया जाता पर जिहड़े अपने लोग आ जिन्होंने चुनिया जिन्होंने ये तख्त ते बिठाया उन्हां दीआं इन्नीआं मौत होने के बावजूद एक भी कोई सिंपथी का कोई उन्हां दे लई अफसोस का कोई शब्द इन्हां दे मूहों ना निकलना यह बहुत ही शर्म वाली गल आ और जिहड़े लीडे इन्हां ने अपने चिट्टे लीडर ने खून के नाल किसानों के खून के नाल रंग ले धोने इन्हों औखे हो जाएंगे और बहुत कुछ बदलना ये धरने ने सो मैं बहुत बहुत थोड़ा धनवादी हाँ और थोड़े नाल जिथे जिथे भी दुनिया च लोग वसदे आ जिहड़े इंसानियत नूं प्यार करदे आ दुनिया थानू देख रही है क्योंकि बहुत बहुत वड्डियां गल्लां इस मोर्चे तों लोगों ने देखिया कि शांति दे नाल संघर्ष किवें लड़िया जाता और किवें साडे लोग जदों फिर अपने हकों के लिए लड़ते हैं वो परवाह नहीं करते चाहे कड़क की ठंड होवे चाहे धुप होवे सो वो उवें ही साडियां मावां साडियां भैणां क्योंकि साडा इतिहास ही एडा वड्डा जे बजुर्गों नाल गल करो तो वह कहिंदे आ कि साडे तां जी तेगा चुंबल गए सी हैं असीं तां जी खोपर लहाले सी और मावां नूं पुछ लो वह कहिंदियां साडे तां बच्चियां दे टोटे करके खून च पाते गलां च पाते सी साढ़े बड़े बडेरिया के सो साडे मूहरे मसाला ही एडिया एडिया ने और जे तुसीं उदों 5% भी करके इन्हां तों वह भी नहीं संभालिया जाणा क्योंकि साडियां मसाला एडिया एडिया सो कुछ क मैं लाइना होर कहूँगा भंडेर साहब की मैनूं हुकम सी कहिंदे गाने 2-3 सुना दिओ जी चलो मैं क्योंकि कई बार इन्हां नूं लगता सी कि खेतां 'च काम करन वाले लोग आ मजदूर ने किसान ने इन्हों की पता लगना कि कानूनों के लिखता इन्हों इन्नी समझ नहीं सी कि किसानों ने मजदूर ने वो भी पढ़ लेना जोड़ा कुछ इन्होंने कानूनों लिखे नहीं
क्योंकि तुसी इन्हां दी नीयत देख ली, नीयत नीति दे नालों नीत माड़ी है कि पिछे चाहुंदे की आ कि हौली हौली बदलदा बदलदा किवें बदल जाऊ, किवें थोड़ी जमीन थोतों खोई जाऊ, एकदम नहीं होना, पर हालात इहो जे बना देणगे कि बंदा आप ही हाथ जोड़ के निकल जूगे जी तुसी उहीं कर लो, मेरे तो बस दी खेती रही नहीं, क्योंकि माहौल इहो जिहा बना देणा, पर तुसी समझ लिया। और हुण गल की होगी के लाके बिजनस नैना नाल सकीमानी तू धक्के दे नाल खोण नू फिरे जमीनानी ओ लाके बिजनस मैना नाल सकीमानी तू धक्के दे नाल खोण नू फिरे जमीनानी ओ सानू वांग सपेरे फिरे कील दी दिलिये तू ते साडा हर कम हुंदा गुरु नानक दे आदर ते ओए हुण ता अपने हक लैके ही उठणगे जट कुंडली मार के बैगे टिकरी बाडर ते हुण ता अपने हक लैके ही उठणगे जट कुंडली मार के बैगे टिकरी बाडर ते ओ जानू असी तेरियां इना चाला तो के साडे नाल जो खेड रही है साला तो ओए असी देश दी खातर मौत भी गल नू लाउने आ क्योंकि बापू बैठे हद्दां ते ते पुत बैठे सरहदां ते जिहड़े उत्थे गोलियां सहदे आ दुश्मनां दीआं सरहदां दी राखी करदे आ उह वी तुहाडे पुत ने। और इह कहिंदे कदे कहिंदे जी इहनां नू तिरंगे दा सन्मान नहीं आउंदा। और बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, मेरे लिए तो आशीर्वाद ही बहुत अफल है। सी और कदे कहते तिरंगे का सन्मान नहीं आता। सो मैं क्या जेडे उतों लाशा जीडिया लिपट के आदियां ना साढ़े भरावान दियाँ तिरंगे के बच्च वो सब तो वह पुट किसान शहीद होंगे और तुम कैदियों किसानों दस दौ भी इन्हों तिरंगे का सन्मान नहीं आता। के असी देश की खातर मौत भी गल नू लाउने आ क्यों चुभदे आ जे मंग ले हक बराबर दे ओए हुण ता अपने हक लैके ही उठणगे जट कुंडली मार के बैगे टिकरी बाडर ते ओ जट कुंडली मार के बैगे कुंडली बाडर ते भैया खेड़ा मजैनपुरी सरकारानू ओए हलके विच किते लै लियो ना सरदारानू ओ आखे रामा जैनपुरी सरकारानू हलके विच किते लै लियो ना सरदारानू भई सिंह जत्थे जांदे फतेह करा के मुड़दे ने किते गौर कर लियो बंदा सिंह बहादुर ते ओए हुण ता अपने हक लैके ही उठणगे जट कुंडली मार के बैगे टिकरी बाडर ते ओ जट कुंडली मार के बैगे टिकरी बाडर ते सो बहुत बहुत थोड़े लिए दुआवां कलियां। मैं ही नहीं, मैं फिर वही गल करदा कि जिथे भी, क्योंकि जे बाहरों किसी का मैसेज आता किसी का फोन आता थानू पता लग जाता कि बंदा किन्ना कु जुड़िया होया धरने दे नाल, चाहे कनेडा अमेरिका किथे किथे लोग बैठे है। जे मैनू भी कोई फोन आता सब तो गल ही पहली ये होंगी है कि जी उत्थे कदों गए सी, किसानां दा की हाल आ, धरने का की हाल आ। सो इहदा मतलब यह आ कि हर दिमाग दे विच हर जुबान दे उत्ते गल धरने की आ। सो घर घर च धरना जिथे जिथे भी
इंसानियत नूं किसानां नूं प्यार करन वाले लोग बैठे आ सारे तुहाडे नाल आ और चढ़दियां कला च रहो यही मैं अरदास करदा किसान मजदूर एकता बोले सो निहाल सो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गरेवाल जी का जिन्होंने अपने